वीकेंड का बार पर घर वालों से मिलने के लिए कुछ मेहमान आए थे। इस दौरान उन लोगों को स्टैचू बना दिया गया और उन्हें कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान घर वाले स्टैचू बने हुए थे और वो अपनी मस्ती में मस्त नजर आए। इस दौरान आरती कहती हुई नजर आई कि यार क्या ये फैमिली वाला वीक चल रहा है, घर वाले मिलने आएंगे। इस दौरान सभी घर वाले अपनी मस्ती में मस्त नजर आते हैं। पारा छाबरा कहते हुए नजर आते हैं कि बिग बॉस प्लीज ओवर कर दो क्योंकि मेरे पैर दुखने लगे हैं। माहिरा कहती हुई नजर आती हैं कि मेरा तो रीढ़ की हड्डी दुख रहा है बहुत ज्यादा। आसिम रियाज कहते हुए नजर आते हैं कि प्लीज बिग बॉस ओवर कर दो क्योंकि मुझे अपना पफ ठीक करना है, रेडी होना है, वीकेंड का बार है। तो वही विशाल कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ यार मुझे भी मेकअप करना है, रेडी होना है, मैं तो इसीलिए बार आया था कि कोई मेरा मेकअप कर देगा। और इस दौरान यूं ही बातें शुरू हो जाती है कि अगर ये फैमिली वाला वीक है तो वो मेरा डॉक्टर फ्रेंड जरूर आएगा। आसिम रियाज अपने भाई के बारे में बताते हुए नजर आते हैं तो विशाल कहते हुए नजर आते हैं कि वो कहेगा कि पेशेंट्स ने मुझे जाने नहीं दिया है, वो परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग, और वो जब बाहर आएगा ना तो तुम लोगों की खूब बाट लगाने वाला है। तो इस पर विशाल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो सीधा जाएगा पारस के पास और इसका सीधा ओपन हार्ट सर्जरी कर देगा। इस दौरान शहनाज कहती हुई नजर आती है कि प्लीज यार ये टास्क चल रहा है, थोड़ा तो चुप रहो, टास्क तो कर लो कंप्लीट। और इस दौरान सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और मोस्टली घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं आसिम की बात पर कि मुझे मेरा पफ ठीक करना है। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।